हे सो, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे. तो मैं भी अच्छा हूँ. तो आज मैं बकरी को लेकर आ गया हूँ. आज क्या, मैं हर रोज़ ही बकरी को लेकर आता हूँ. तो लेकिन आज मैं आपको बकरी के साथ साथ कुछ और भी बताने वाला हूँ. तो आज हम जा रहे हैं, सोचो कहाँ पे. तो आज हम जा रहे हैं टनल. यस, टनल. तो ब्रोट में भी टनल है. आधे लोगों को तो मुझे नहीं लगता पता होगा. और वो जो टनल है, वो उनकी कहानी शुरू होती है 1925 में. वो 1925 में खोदे गए थे. अगर वो वहाँ पे प्रोजेक्ट, मतलब उनका जो जैसा उन्होंने सोचा था अंग्रेज़ों ने, वैसा हो जाता, तो शायद आज ब्रोट आपके सामने नहीं होता, वो पानी के अंदर होता. सीरियसली सच कह रहा हूँ. तो आज मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ और साथ में बताता रहूँगा कि कैसे, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ. ठीक है, बने रहो साथ. आप जंगल की शांति को देख सकते हैं. यहाँ पे जंगल बिल्कुल शांत है और सामने से आ रही मेरी बकरी और मेरा बकरा, और साथ में आ रही है छोटी चिली. ला ला. तो अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और मुझे यहाँ से सब दिख रहा है. टनल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है यहाँ से. तो कहाँ पहुँचा था मैं? हाँ, तो यहाँ पे डैम बनने वाला था जो किसी कारणवश नहीं बना. और उस टाइम अंग्रेज़ हम लोगों को, मैंने सुना, जहाँ तक मैंने सुना है, कि हम लोगों को शिफ्ट कर रहे थे राजस्थान में. सोच सकते हो आप, राजस्थान में होते आज हम, अगर डैम बन गया होता तो. मैं बताता हूँ. तो गाइस, ये जो मतलब वहाँ से, ये जो दिख रहा है वहाँ से और वहाँ के लिए, मतलब इतना बड़ा डैम बनना था ये. मतलब यहाँ पे गेट लगने थे जो भी है, पूरा बंद पैक, और पीछे ब्रोट पूरा पैक हो जाता, मतलब पानी पानी हो जाता चारों तरफ. तो ये सारी ज़मीन, ये सब कुछ पानी में होता आज को. लेकिन हुआ ये कि उस तरफ तो पत्थर वाली वो है, साइड है, तो वहाँ पे दो टनल है. और जब उन्होंने वहाँ पे खोदना शुरू किया तो वहाँ पे वो जगह कच्ची निकली, जैसे वहाँ पे देखो स्लाइड हुआ है, तो वहीं पे था साइड पे. और टनल भी उड़ गया है, जहाँ मैंने मतलब देखा है, मतलब देखा क्या, मतलब उड़ गया है वो वहाँ पे. तो वहाँ पे एक टनल होता था पहले, उन्होंने वहाँ पे खोदा दो टनल. उसके बाद उन्होंने वहाँ खोदना शुरू किया. बाद में पता चला कि नहीं, ये तो भाई किसी काम की जगह नहीं है. तो ये पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया. उसके बाद जाकर पीछे जो है, पीछे वो डैम बने जो ब्रोट में जो भी बने. तो कुल मिलाकर बात ये है कि उस जगह ने हमें बचा लिया, वरना भाई सच में राजस्थान में होते, अगर हम मना करते तो शायद, मुझे लगता है कि वो हमें उड़ा भी देते. हवा की आवाज़ आ रही होगी ना, तो मुझे लगता है कि वो हमें उड़ा भी देते. उस टाइम तो मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे दादू के टाइम की बात है शायद, जब वो बच्चे होते थे, उस टाइम की बात है, तब की बात है ये. तो मैं ठीक है, अभी मैं और क्लोज जाके आपको टनल दिखाऊंगा, एक ही दिखा पाऊंगा. पहले नीचे वाला भी था, मतलब देख दिखा सकता था, लेकिन अब रोड की कटिंग हुई है तो वहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है. तो ऊपर वाला बताऊंगा अभी जाकर. ठीक है, तो बन रहो साथ. तो मैं ऑन द वे हूँ और थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम हुआ यहाँ आए हुए. डर ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब भूत प्रेत का जैसे लोग डरते हैं, वैसा डर नहीं लग रहा, बस ऐसे ही लग रहा है. रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं नीचे गिरूँ और टपक जाऊँ. हाँ, मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है. तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ से, काफ़ी फिसलन भी है और मेरी चेली पीछे पीछे आ रही है. बस खतरा इसी बात का है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे सींग से मार कर नीचे फेंक दे, क्योंकि जो नीचे का नज़ारा है वो बहुत बुरा है देखने में. और ये ब्रोट है पीछे, तो जल्दी हम पहुंचने वाले. तो मुझे नहीं पता टनल के अंदर क्या है क्या नहीं है. भाई डर लग रहा है भाई साहब, नीचे सड़क. ठीक है, आराम से चलते हैं.
गाइस, डर लग रहा है क्योंकि अंदर कुछ दिख नहीं रहा है और मैं नहीं चाहता कि अंदर कोई मृग वगैरह बैठा हो। और भाई फिर तो क्या ही कहना है ज़िंदगी के। वाह, यहाँ पे अलग ही डरावना नज़ारा है यार। मतलब मन कह रहा है कि भाई साहब रुक जाओ, मगर नहीं, मुझे तो जाना है अंदर। तो यहाँ तक खोदा गया है, ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हालत थोड़ी ख़राब है। मतलब जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था तो मेरा मन कर रहा था मैं ज़ोर से चीखूं, पता नहीं क्यों, शायद मुझे नेगेटिव, ओए इतना सफ़ेदी, शायद मुझे नेगेटिव एनर्जी थोड़ी अंदर महसूस हुई थी और मेरा मन कर रहा था मैं चिल्लाऊं, ज़ोर से चीखूं। कसम खा के था, दिल की धड़कन मतलब मोटी तेज़ हो रही है, तो देख सकते, मैं अभी बताता हूँ। तो गाइस देखो, मतलब वो यहाँ से लगाते और वहाँ पे था टनल, तो वहाँ थोड़ी कच्ची निकली जगह, तो उसके लिए फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया। और सोच सकते हो, अगर मान लो आपका यहाँ पे गेट बनता तो देख सकते हो पूरा बरोट मतलब पानी से भरा होता इस वक्त, पूरा गांव थूज पूरा सब पानी में भरा होता। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता, अगर ऐसा होता तो शायद मैं यहाँ पे होता ही नहीं, ना ब्लॉग बना रहा होता, पता चलता कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं कभी। तो ये रही गुफा, गुफा नहीं, एक और टनल नीचे, तो वो भी ऐसा ही है, इतना ही है, थोड़ा नीचे है, तो वहाँ पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये रास्ता बंद है वहाँ का। तो मेरा मन कर रहा है एक और बार मंदिर जाऊँ क्योंकि मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो मैं थोड़ी सी और धड़कन बढ़ाना चाहता हूँ अपने दिल की। बस इसको टच करना चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता मैं। मम्मी मम्मी, डर लगा, यहाँ जैसे थोड़ा शांत है, अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो उस वक्त आप सोच सकते हो ये सिर्फ हैंडमेड, मतलब लोगों ने खुद अपने हाथों से इसको काटा है, पत्थर को, पूरे पत्थर को खुद से काटा है, क्योंकि उस वक्त मशीनें मुझे नहीं लगता थी हो, ऐसा नहीं है, पर इतने ऊपर देखो, मैं जहाँ से आया वहाँ से रास्ता ही नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हाथों से काम किया गया है। मुझे नहीं पता कैसे काटा बेचारों ने यार, मतलब, और बहुत लोग मरे शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन रिकॉर्ड इसका कहीं भी नहीं है, आई थिंक सो। ये देखो, मतलब ऊपर से एक भी पत्थर गिरा तो मैं गियो ठाकुर, ठाकुर तो गियो। मैं हूं अनंत, अनंत काल, अनंत काल हूं मैं, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे तोड़ सकता है, मगर जिस तरह तुमने मुझे छुआ मैं चल उठा, मेरी रूह मेरे जिस्म से अलग हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना इस दुनिया पे राज किया जाए, राज अनंत काल तक मैं कलयुग। अभी मेरी छिल्ली तीनों के तीनों अंदर घुस गई, पता नहीं क्या ढूंढना चाहती है। ठीक है, हम पूछते हैं कि कैसा महसूस हुआ इनको। ठीक है, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, कुछ दिखा क्या? तो छिली इधर, कम इधर इधर, आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? टेल मी, कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? यहाँ की शांति भंग नहीं करना चाहता मैं नहीं चाहता ये पहाड़ पूरा दरक के मेरे ऊपर आ गिरे, तो यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। ठीक है,
वैसे टनल के अंदर किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता कब कौन कहाँ खिसक जाए। तो यह अगर टनल मैंने दिखा दिया और इसकी स्टोरी भी बता दी कि क्या था क्या नहीं था क्या होता क्या नहीं होता, तो अभी वक्त यहाँ से निकलने का, क्योंकि मेरे को सच में डर लग रहा है यहाँ पे। डर ऐसा कि मैं नहीं चाहता यार मैं उड़ उड़ जाऊँ। एक तो कैमरा गिरा दिया छिल्लू ने कुत्ता कहीं का। ठीक मैं बताता हूँ, यहाँ से देखो नीचे, देखो नीचे सीधे सड़क दिख रही है, मतलब बेटे यहाँ से पाँव फिसला कि जिंदगी ख़त्म। ख़त्म का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। वैसे मैंने अंदर थोड़ा सा और टाइम बिताया, मैं 3-4 बार अंदर गया लास्ट तक और वहाँ पे मज़ा आया, क्योंकि जहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ जाए ना आपकी, वहाँ पे अलग ही मज़ा होता है सच में। मतलब एक्साइटमेंट आप भूल जाते हो, आपका मन में जो भी चला होता है कई चीज़ें चली होती है। तो ये सबसे अच्छी दवाई है स्ट्रेस की, कभी भी आपको ज़िंदगी में स्ट्रेस हो और आपको लगे कि नहीं आपको स्ट्रेस है, तो करना ऐसा होता है, करना ऐसा कि भाई ऐसा काम करना जिससे आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाए कि भाई गो 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 दिमाग में जो भी खाया, सच में होता है ऐसा। तो एक बार हम यहाँ से चढ़े थे ऊपर को, जब मैं छोटा बच्चा था भाई, इतने गधे होते थे हम, देखो यहाँ से चढ़ रहे। अब भी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा भाई, क्यों वाय सीरियसली चढ़े क्यों? तो पता आप लोगों को मठेगड़ होती है यहाँ पे, उनके होते ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं मठेगड़ में लगे, तो भाई जब वो पकते ना क्या ही मस्त होते हैं यार। तो उनको खाने के लिए यहाँ से चढ़ गए थे, यहाँ से परे को अब ना चढ़ूंगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और पूरी वीडियो देखा करो यार। और तो मेरे पास कुछ कहने को है नहीं यार, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही नहीं मिल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सीरियसली कोई मुझे एडवाइस दो कि मुझे कोई मैं ऐसा कंटेंट चुनूँ जिसको करने में भी मज़ा आए और भाई मतलब आपको देखने में भी मज़ा आए, ठीक है? बताना ज़रूर कमेंट करके। ओके बाय बाय, टेक केयर।